कवैया सीन कुछ ऐसा है कि ये है मेरी जिंदगी का पहला गिटार, क्योंकि मुझे पहले जो है ना गिटारिस्ट बनने का शौक था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह बखैर, अभी टाइम क्या हो रहा है? शाबाश बेटा, 2 बजे फिर मैं तो, जब मेरी छुट्टी होती है ना यार जॉब की, तो मैं लेट ही उठता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सीन को जैसा है कि 2 बज चुके हैं और मैं तो भैया सीन को जैसा है कि 2 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि नाश्ता और खाना मैं एक साथ ही कर लेता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो सीन को जैसे है कि सुबह हो गई है, सुबह के बाद दोपहर भी हो गई है, तो मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल गया, तो मैं पहले खाना खाऊंगा और उसके साथ चाय पीऊंगा, क्योंकि मैं खाना और नाश्ता एक साथ करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी इजाद है जो मैंने खुद से करी है, जिसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल से बताऊंगा। मतलब आपको मत सिखा। तो चलते हैं और नाश्ता और खाना जो भी है सब करते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। मौजूद है दुबई की स्पेशल ग्रीन टी और भिड़िया, और ये क्या है, हलीम, तंदूर की रोटियां, पापे जो बिल्कुल नहीं खाता हूँ मैं, और ये पूरियां जो अपनी मम्मी ने अपने हाथ से बनाई, और तरकारी जो मम्मी ने खुद बनाई। तो फिनिश करता है आपका भाई नाश्ता और उसके बाद फिर आपसे मिलता है और पूरी तरीके से मिलता है। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि ये है मेरी ज़िंदगी का पहला गिटार, क्योंकि मुझे पहले जो है ना गिटारिस्ट बनने का शौक था। मेरे अंदर ना छोटे छोटे कीड़े उठते रहते हैं, मतलब कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है, कभी कुछ करना है। तो आजकल तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप तो जानते ही हैं मेरे बारे में। तो मैंने थोड़ी बहुत टून्स बजाना सीखी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि बजाऊँ और आप ना हुनर से जो है ना आपको जो लुत्फानंदोज़ करूँ। तो शुरू करते हैं, और मैं बता रहा हूँ 1 साल से मैंने नहीं बजाया, अभी निकाला है, तो मैंने सोचा आप लोग देखा। दोबारा स्टार्ट लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस बार हो जाएगा। उसकी भी मैंने वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करी थी, मेरी लास्ट वीडियोस हैं, कुछ शुरू की वीडियोस हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि मतलब अर्थरुल की जो टून है, अर्थरुल की वेब सीरीज जो आई थी, तो वो मैंने बजाई थी, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें। आपका भाई अलंडर है मेरा, मतलब ऑलराउंडर है आपका भाई, हर कुछ कर लेता है, हर कुछ कर लेंगे। बस सोच रहा हूँ चांद पे का फ्लैट विलेट ले लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बस इतना ही था मेरी गिटार की कहानी, तो बाद में आपको सुनाएंगे, जब मैं अच्छे से सीख लूंगा ना, तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, और उसमें फिर जो है ना आते वस्ते हमारा लुक आएगा। समझ रहे हो आप? फुल आते वस्ते हमारा, मुझे लग रही है अभी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। बस को तो ले लो। हमारे घर का तंदूर जिसमें रोटियां छाप छाप के हो गए, हमारी अम्मा को 20-22 साल, लेकिन इस बंदी को सुख नहीं मिला, सुख का एक दिन नसीब नहीं हुआ इस बंदी को। तो अभी बन रही है रोटियां, तो चपाती के साथ खाएंगे हम शामी कबाब, और बस अभी इतना ही। हमारी अम्मा के हाथ के शामी कबाब, आप अगर कमेंट्स में मुझे 10 से 15 लोग ये कमेंट करेंगे कि शामी कबाब की रेसिपी बताओ, तो मैं, आप यकीन करें, मैं खुद बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि कैसी होती है रेसिपी, और बहुत मज़ेदार होते हैं ये। आप इसको जो है ना सिर्फ वो करें, फील करें कितने मज़ेदार होते हैं। ये देखें इसमें हरी, क्या है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, प्याज डली है, और बहुत कुछ डला हुआ है। तो चलते हैं इसको तलवाते हैं और फिर इसको खाते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि कबाब बनकर आ गए हैं, और सबके कबाब एक अलग अलग टोलों में डिवाइड हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। कोई बोलता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई अंडा नहीं खाता, और कुछ नहीं खाता,
लेकिन आपका भाई सब खाता है, बस जानवर काट के रख दो बस सब खा लेता आपका भाई। तो ये सब जो है मैं खाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं भैया नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलेंगे सपनेपन के साथ के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।